Hello friends, this is Somdeep Ghosh. First of all, I would like to thank all the people who supported our last video on the topic how to reduce depressions in life. If you have not seen the video yet, then the link is given below. Okay, I am here to discuss about core subjects of BSc Agriculture third year. And in this video series, we are going to discuss about all the core subjects of agriculture. And today in this video, we will talk about extension methodologies for transfer of agriculture technology. This is a very important subject of agriculture BSc third year. So, अब हम start करते हैं. अब आपके सामने screen पे है syllabus. Syllabus में सबसे पहला है communication, models of communication and functions, elements of communication and their characteristics, types of communication, forms of non-verbal communication, problems in communication, concepts of communication, extension teaching methods, उसके classification और farm और home visit, इसके बाद field trial और result demonstration, बाद में group contact methods मैं आपको समझाऊंगा, method demonstration बताऊंगा और group discussion भी, और last में सबसे important हमारा topic रहेगा KVK, इसका माने की कृषि विज्ञान केंद्र. भाई दोस्तों स्टार्ट करते हैं. पहला है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेंडर का, क्योंकि दोस्तों सेंडर मैसेज भेजता है, मैसेज एनकोड होता है, वो चैनल के द्वारा रिसीवर के पास पहुंच जाता है. इस साइकिल में आप देख सकते हैं, नंबर वन सेंडर है, सेंडर एनकोड करता है, करने के बाद वो मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुँच जाता है और वो उसे डिकोड करता है और वो फीडबैक जो है, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन लॉ है, ये फीडबैक वापस चैनल के द्वारा सेंडर के पास पहुंच जाता है. बहुत ही ईजी साइकिल है, आप इसे याद कर लें. इसका टेक्निक है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक और वापस चैनल सेंडर के पास. अब देखिए, मैंने इन द सेंटर लिखा है बैरियर, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में जो बैरियर है वो है नॉइज़. तो दोस्तों आपने ये साइकिल पढ़ लिया है, अब आगे देखते हैं. अब आपके सामने जो अगला टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. साइंटिस्ट लीगन्स ने 1963 में ये मॉडल दिया था और ये मॉडल नीचे है आपके पास. इसमें सबसे पहले याद रखें, ये मॉडल्स के 6 स्टेप्स है. इसके अंदर कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर मैसेज भेजता है, मैसेज उसके बाद चैनल, चैनल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑडियंस और ऑडियंस रिस्पॉन्स. अब इसमें आप देखिए दोस्तों कि कम्युनिकेटर यानी मैं मैसेज आपको भेज रहा हूँ, ये चैनल के द्वारा आपको मिल रहा है और आप इसे ट्रीट कर रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, और फिर आप ऑडियंस रिस्पॉन्स देगी कमेंट के द्वारा. फिर एरिस्टोटल मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स है. पहला स्टेप है स्पीकर, दूसरा है स्पीच, तीसरा है ऑडियंस और चौथा है इफेक्ट. आओ देखिए कि स्पीकर जो है वो मैं हूँ, वो बोल रहा है, दैट इज स्पीच. ऑडियंस के पास मैसेज पहुंचा और ऑडियंस ने रिएक्शन किया या इफेक्ट. तो एरिस्टोटल मॉडल्स में सिर्फ 4 ही स्टेप है, लीगन्स मॉडल में 6 स्टेप है. इस बात को गौर से सुन के याद कर लीजिए. इसके बाद है दोस्तों हमारे सामने फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. क्या फंक्शन है, क्या कार्य है कम्युनिकेशन के? हम सब बचपन से बात करते आए हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम छोड़ते जा रहे हैं. सबसे पहला इन्फॉर्मेशन. अगर दोस्तों आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या बताएंगे किसी को? उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को आपको इस फॉर्म में इंटीग्रेट करना होगा कि आप वो किसी को बता पाए, दैट इज़ इंटीग्रेशन. फिर है आप जो इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करेंगे वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए जो रिसीवर के माइंड को. फिर है कमांड, कि जो आपने इन्फ्लुएंस किया उससे जो सेंड रिसीवर के माइंड में क्या बदलाव आते हैं और वो आपके कमांड को फॉलो करता है कि नहीं, यह कमांड. तो शॉर्टकट में हम बताएंगे इन्फॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, इन्फ्लुएंस और कमांड. ट्रिपल IC इसका फॉर्मूला है, इन्फॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, इन्फ्लुएंस और कमांड. फिर है दोस्तों स्क्रीन पे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट्स क्या है? फिर आप अगर देख सकते हैं, यहाँ सेंडर से स्टार्टिंग होती है. सेंडर मैसेज भेजता है एनकोडिंग के द्वारा, एनकोडिंग माने एनकोडिंग. उसके बाद डिकोड करता है, डिकोड मतलब उस कोड को समझना. कौन समझता है? रिसीवर समझता है, और रिसीवर समझने के बाद वो रिस्पांस देता है, और रिस्पांस जो मिलता है हमें रिसीवर से
वो फीडबैक के द्वारा सेंडर के पास पहुंच जाता है। बहुत ही एलैबोरेटिव सर्किट बना हुआ है, बहुत इजी है। नीचे मैंने लिखा है सेंडर्स फीड, तो सेंडर एनकोडिंग मैसेज और फीडबैक, ये सेंडर का अधिकार, और मैसेज डिकोडिंग रिसीवर रिस्पॉन्स, ये जो चार है ये है रिसीवर्स के फील्ड, ये दोनों एकदम अलग है दोस्तों। अगला टॉपिक मैं आपको जिसके बारे में बात करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो समझ सकते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें पॉइंट्स हैं, बहुत ही ईजी पॉइंट है। पहला पॉइंट, इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पीपल, अगर आपको बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि देयर मस्ट बी ए मैसेज, अगर मैसेज ही नहीं हुआ आपकी और मेरे बीच में, आप क्या बात करें। और इसके बाद है रिटन, ओरल या जेस्चरल। कैरेक्टरिस्टिक्स में या तो आपका कम्युनिकेशन रिटन हो सकता है, या ओरल होता है, हो सकता है, या बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है, अब मैं गर्दन हिला रहा हूँ हाँ या ना, यही बात है, जस्ट जोकिंग दोस्तों। इसके बाद है इट इज़ ए टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस में इसे सबसे इम्पोर्टेंस है, एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। उसके बाद इसमें लिखा है प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट ए रिस्पॉन्स, आप किसी को कोई बात क्यों कहेंगे कि आपको कोई डिजायरेबल रिस्पॉन्स मिल सके दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद पॉइंट है इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्या तो ये फॉर्मल है यानी ऑफिशियल हो सकता है या फिर अनऑफिशियल हो सकता है। फिर दोस्तों इट फ्लोज अप एंड डाउन, मैंने आपको बताया था ये डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है या फिर लेटरल हो सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब होता है कि ये एक अभिन्न अंग है एक्सचेंज होने का। किस चीज़ का एक्सचेंज होना होगा, वो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। चलिए आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ईजी है, इसलिए मैंने फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पहला है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल में वर्बल है और नॉन वर्बल है। अब वर्बल का मतलब होता है जब आप किसी भाषा का उपयोग करते हैं, भाषा का उपयोग आप बोल के कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, गर्व है मुझे। उसके बाद रिटन में, रिटन का अर्थ है एम आई राइटिंग ऑन पीस ऑफ पेपर और एम आई टेक्स्टिंग ऑन ए स्क्रीन, ओके। उसके बाद होता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल है कि हम आपस में बात करते हैं तो गर्दन को हिलाना, आँखों को आई कॉन्टैक्ट चेंज करना, या फिर अपनी स्पीच की जो इंटेंसिटी उसको चेंज करना, ये सब नॉन वर्बल में आती है। फिर है दोस्तों हम देख सकते हैं, अभी साइड देखें, बेस्ड ऑन स्टाइल या पर्पस, आपकी बात करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या तो ये फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। फॉर्मल का मतलब होता है कोई भी ऑफिशियल वर्क, ऑफिस में जिस तरह से बात की जाती है। और उसके बाद इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल का मतलब होता है कि आप और मैं फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या धुआंधार एंट्री हुई है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ देखिए सबसे बड़े बैरियर्स है फिजिकल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल और लिंग्विस्टिक। फिजिकल बैरियर हम किसे कहेंगे, कोई भी फिजिकल बैरियर जैसे कि नॉइस पोल्यूशन, सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर। फिर दोस्तों कल्चरल एस्पेक्ट तो है कि अगर मैं एक अलग रीजन से बिलोंग करता हूँ, आप एक सपोज मैं नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करता हूँ, आप सदर्न रीजन ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम दोनों का कल्चर डेफिनेटली अलग होगा, तब समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर हम देखेंगे अगर दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बेटर होता जा रहा है या बिगड़ता जा रहा है, ये भी एक बैरियर है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग आइडियाज से काम करती है दोस्तों। उसके बाद है इंटरपर्सनल, मीन्स दो लोगों के बीच में जब वो बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज, क्या मेरी लैंग्वेज, क्या मेरी इंटेंसिटी आपको समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो ये एक इंटरपर्सनल बैरियर है। किस में, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। फिर दोस्तों लिंग्विस्टिक, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप लिंग्विस्टिक फेल्यूर माने जाएंगे कि आप मेरा लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीख सकें, सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और मैं भी आगे बढ़ता हूँ, इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ देखिए मैंने एक साइकिल बनाया है, बहुत ही इंट्रैक्टिव साइकिल है, आप देख सकते हैं। यहाँ स्टार्टिंग होती है सेंडर, मैसेज, डिकोड, रिसीवर, एनकोड, फीडबैक और डिकोड। बहुत ही सिंपल है, आप डिकोड एनकोड को एक बार हटा दीजिए और इमेजिन करके देखिए कि यहाँ के मैंने क्या लिखा है। सेंडर, सेंडर मैसेज देता है जैसे कि मैं दे रहा हूँ, और रिसीव, आप रिसीव कर रहे हैं।
रिसीव करने के बाद आप फीडबैक मुझे दे रहे हैं, जैसे कि कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं मुझे। तो अगर आप अब इसके अंदर डिकोड और एनकोड को जोड़िए, आप विजुलाइज़ करने की कोशिश करें कि सेंडर मैं हूँ, मैंने मैसेज दिया आपको, आपने उसे डिकोड किया जो मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप इसे समझते जा रहे हैं और समझने के बाद आप इसे एनकोड कर रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है और मुझे कितना समझ में आ रहा है। उसके बाद आप फीडबैक दे रहे हैं, गुड हो बैड हो जो भी है, मोस्ट इन्वाइटेड, और वो डिकोड मैं करता हूँ और इसी के साथ मैं सक्सेसफुल होता हूँ आपको समझाने में। अगले वीडियो में चलते हैं। अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे बीएड कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो या एग्रीकल्चर डिग्री ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको छोड़िएगा नहीं। आप कोई भी व्यूअर हो, पहले है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, फिर है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, उसके बाद है मास कॉन्टैक्ट मेथड। जब भी दोस्तों इंडिविजुअल की बात आती है तो हम बात करते हैं सिंगल पर्सन। तो एक इंसान जब इन्वॉल्व होता है, इट इज़ इंडिविजुअल। आप किसी फार्म में जाते हैं, किसी फार्मर के घर में जाते हैं और विजिट करते हैं, तो आप अकेले कर रहे हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल। आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं कोई डाटा लेने के लिए, कुछ एनालिसिस एस्टिमेशन लगाने के लिए, तो ये होता है, ये भी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है। आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो आप ही तो बात कर रहे हैं ना, तो ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है। अब पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के इंटरव्यू ले रहे हैं, या कोई कोर्स कर रहे हैं या ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, जहाँ सिर्फ आप इन्वॉल्व है मेंटली फिजिकली। उसके बाद है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कि आपने कोई काम किया जो आपको दिया गया था और आपने रिजल्ट आया, डजेंट मैटर वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमें तो रिजल्ट मिल गया है, दिस इज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद देखिए दोस्तों, ग्रुप कॉन्टैक्ट। अगर हम बात करें कि ग्रुप कॉन्टैक्ट की, तो हम देख पाएंगे यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मीटिंग। अगर हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो एक इंसान अकेला मीटिंग नहीं ले सकता है, इसलिए ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है ऑफिस में। उसके बाद है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आप किसी भी नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके मेथड्स को आपको समझाने में सक्सेसफुल होना होगा। उसके बाद आता है लीडर ट्रेनिंग। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेज फियर निकालना होगा, अपने पे विश्वास करना होगा, आगे बढ़ना होगा। ये सब तभी होता है जब आप एक ग्रुप में लीडर ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद है टूर्स एंड फील्ड डेज। अगर आप टूर करने जाते हैं, नई जगह पे फील्ड ट्रिप कर रहे हैं, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, नई चीज़ें सीखते रहेंगे, रटो मत, समझने की कोशिश करो। उसके बाद है ऑर्गेनाइज क्लब। कई ऐसे इंफो साइंस क्लब्स होते हैं जहाँ पे आप जाके नए नए एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर है कैंप, जैसे NSS कैंप, NCC कैंप और ना जाने कितने कैंप, वो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। उसके बाद कम्युनिटी फोरम्स, कम्युनिटी में क्या चल रहा है, फिर वही शॉर्ट कोर्सेज जैसे आप मेरा कोर्स ले रहे हैं, वर्कशॉप और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आपकी मेरी चल रही है। उसके बाद है मास कॉन्टैक्ट। मास कॉन्टैक्ट में दोस्तों क्या आता है कि आप न्यूज़ स्टोरीज पढ़ रहे हैं, आप रेडियो पे सुन रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप न्यूज़ लेटर्स, पब्लिकेशंस, फिर इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस ले अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है, फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। उसके बाद आप कंप्यूटर एडेड इंस्टीट्यूशनल लर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी मेरा चैनल देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। फिर उसके लिए बात आता है सैटेलाइट प्रोग्राम्स की, सैटेलाइट प्रोग्राम, फिर एग्जीबिशंस आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं टेलीफोन मैसेजेस, ठीक है, फिर आंसरिंग सिस्टम, और हो गया, ये बहुत ईजी पड़ा। अगला देखते हैं, अब होता है फील्ड ट्रिप। आप सामने देख सकते हैं फील्ड ट्रायल में क्या लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, एक बहुत ही सुंदर फील्ड का इमेज है। यहाँ पे आप फील्ड में जाइए और देखिए क्या हार्वेस्टिंग हो रही है, फार्मर क्या कर रहा है, कितना खून पसीना बहा रहा है और देश का पेट भर रहा है, इसी तरह से इसे कहते हैं फील्ड ट्रायल। अब हम अगले वीडियो में अगले स्लाइड को देखते हैं। ये है बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है, कुछ ज़्यादा बोल दिया, जस्ट किडिंग फ्रेंड, हाँ फिर भी सच है, नेचर के टच रहिए। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ एक फार्मर ने कुछ वेजिटेबल्स लगाए हैं, वेजिटेबल सक्सेसफुल हो रहे हैं, होपफुली मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है टोमेटो का वेजिटेबल हो। तो अब इसका जो रिजल्ट मिला है इन द फॉर्म ऑफ, हम सामने इमेज देख पा रहे हैं, यही है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। आगे चलते हैं, मैं इसे जितना हो सके ईजी करना चाह रहा हूँ। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स के अंदर मैंने जैसे पहले बताया था, ये मीटिंग होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, शॉर्ट कोर्सेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, आपने अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च किया तो उसे मेथड डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं। लीडर्स ट्रेनिंग आपको बता दिया, यू शुड हैव बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। इसके बाद आता है ट्यूर फील्ड, बहुत अच्छे से बताया है, पहले वीडियो आपने देखा होगा। ऑर्गेनाइज क्लब बताया है, कैंप्स बताया है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पहले आ चुका है।
आगे चलते हैं। अब देखिए हीरो तो अब आया है, कृषि विज्ञान केंद्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एग्रीकल्चर की भूमि सबसे इम्पोर्टेंट नींव है कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ देखिए मैंने कुछ डिटेल्स दिए हैं, याद मत करिए, रटिए मत, समझने की कोशिश कीजिए कि कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहले 1974 में पौंडीचेरी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब याद कैसे करेंगे, 1974 पौंडीचेरी और DNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए दोस्तों कि अगर हम यहाँ देखें तो इन इंडिया देर आर टोटल 665 KV केस, ये रेशियो याद कर लीजिए, आगे बढ़ भी सकते हैं, अभी तक इतना ही है। अब मैं आपको लास्ट बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है KVK के, बहुत ही नेक काम कर रहा है KVK। पहला है प्लान एंड कंडक्ट सर्वेस ऑफ ऑपरेशनल एरिया, कोई भी एरिया जहाँ ऑपरेशन मीन्स वो ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर्स करते हैं, नहीं एग्रीकल्चरिस्ट के ऑपरेशन फील्ड में उनको कंडक्ट करवाते हैं और उसकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग होने के बाद हम देखेंगे कि वो दे कंपाइल रिलीवेंट रिकमेंडेशन पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, जो भी टीलेज वर्क है, प्रैक्टिस है, हार्वेस्टिंग है, वीडिंग है, ये सब करते हैं KVKs। उसके बाद है प्लान एंड कंडक्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड नीड बेस्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करवाते हैं फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं KVKs, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइज फार्म साइंस क्लब्स, ऐसे ये सबमिट्स करवाते हैं, क्लब्स ऑर्गेनाइज कराते हैं जहाँ पे आप कुछ नया सीख सकें, ना कि रटें बल्कि समझ सकें। फिर है डेवलप एंड मेंटेन कैंपस फार्म्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, कैंपस में फार्म्स मतलब जो एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ वो देख सकते हैं कि वहाँ की अथॉरिटी एग्रीकल्चर कर फार्म डेवलप करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इससे आप देखेंगे जितना उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे। उसके बाद है प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ ऑफ सेंटर, ठीक है। फिर है इम्पार्ट सम जनरल एजुकेशन, इलिटरेट पीपल को इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे रूरल फार्मर्स है जिनमें नॉलेज कम है, वो उनको आप ये सब समझा सकते हैं। फिर है प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी जाती है, फार्मर्स को बताया जाता है कि कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन दी जाए, कितना फर्टिलाइज़र डाला जाए, कितना वीट डाला जाए, ये सब काम KVKs के साइंटिस्ट का होता है। उसके बाद है मैंडेट्स ऑफ KVK आर टू कंडक्ट, मतलब उसका मतलब है KVKs क्या चीज़ें कंडक्ट कराती है। पहले मैंने बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे ट्रेन यू टू बिकम बेटर। उसके बाद है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब वो डेमोन्स्ट्रेशन जो डायरेक्ट फील्ड पे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, ना कि कोई क्लास में। और लास्ट है ऑन फार्म टेस्टिंग, कोई भी हाइब्रिड वेराइटीज़ डेवलप की गई है तो ऑन फार्म टेस्टिंग। KVK बहुत बड़ा काम कर रहा है दोस्तों। और अब मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपना मोटिवेशन कभी कम ना होने दें, क्योंकि मैं यही कहता हूँ मोटिवेशन कैन क्रिएट मिराकल्स। और जाते जाते एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, भगत सिंह जी की एक बात मुझे याद आ रही है कि सांस लहू बदन का जमी को पिला दिया, सांस लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।